going bum 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 bum. Then acting didn't go bum 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 bum. Acting. Hello guys. Hey vlogger, na bata. Guys, hum boss. Hello guys, bad. Hey guys. Hello, come on guys, go. Hello, come on guys, go. Hello. Bobby, mommy. Bobby, bomb, blah, blah, blah. Hello guys. Guys. Guys, my baby. देखो बाबी बेबी गाइस गाइस काटना नहीं गाइस ठीक है गाइस गाइस देखो बाबी जमे हैं देखो गाइस ना देखो ये गैस हम खाना बन रहे हैं क्या ये गैस आ रशी को उठा दे रशी की क्लास रशी सो रही है अच्छा ठीक है करो जाओ कौन आया था अभी ए भूत कौन हो आप रशु ने अपना न्यू टॉय आज फेंक दिया था नीचे इसको था कि मैं न्यू टॉय खोल लूं हमने कहा कि मत खोलो उसको सारे खोल के बिखार देती हो कहती नहीं खोलना यहाँ पे आई उस वाले में वहाँ पे खड़ी हुई नीचे फेंक दिया मैंने कहा कहाँ गया कहती है पता नहीं मैंने कहा झूठ बोली नीचे फेंका ना मैंने कहा सच बोल दो तो मैं डांटूंगा नहीं तो सच बता दिया इसने फिर अभी मम्मी गई उसको नीचे टॉय दिलानी है देखो दोनों लोग बैठे हुए और ज्ञान बांट रहे नीचे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए ये देखो दोनों बैठे हुए तो रशु के लगी हुई आज क्लास नहा धो के नीचे गई है रशु ए रशि डांटी पड़ी डांटी पिट्टी भी हुई बहुत अच्छा हुआ बेटा देखो माओ भी आ गया तो ये संभाल के रखा खराब होगा तो हटाओ उसको ए माओ तुम्हारा खाना हो गया कि नहीं हुआ माओ का खाना आज रेडी भिंडी रेडी मेरी फिश करेले कैसे बने आज कच्चे रह गए क्या ये मेरा राइस है लेकिन पहले बता देते पेट्रोल मैंने देखा है कि एक्स्ट्रा प्रीमियम भराने से गाड़ी में बहुत फायदा होता है एक्स्ट्रा प्रीमियम भराता हूं तो गाड़ी चलती 790 किलोमीटर वही नॉर्मल में 690 किलोमीटर 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा तो जो हम पे करते हैं एक्स्ट्रा काफी किफायती होता है मैंने कैलकुलेशन पूरी कर चुका हूं इसको खोल दो मेरा ये कहना है बड़े भैया कि इस समय पेट्रोल डीजल की जो डिमांड है बाइक के लिए 70 से 100 रुपए लास्ट है और कार 100-500 हमने कहा भैया फुल कर दो कहता है फुल कोई नहीं करा रहा आप ही फुल करा रहे मतलब दो चार बंदे आ रहे हैं 10,000 लीटर की सेल है 4-5 बंदे फुल वाले आप लोग की सेल डाउन हो गई है सेल नहीं डाउन है डिमांड कम हो गई लोग आते कम डलवाते तो भीड़ ज्यादा होती होगी बहुत ज्यादा से ज्यादा 100 लीटर से 200 लीटर बस 1,000 लीटर बेच रहा था 100 लीटर 200 लीटर अच्छा लोग फिर नॉर्मल डलवाते होंगे ना सो द वर्कआउट इज कम्प्लीट लेकिन ऋतु का अभी फोन आया कि घर जल्दी आओ मैंने कहा क्या हुआ कहती फिर से वही चीज हो गई मैंने फिर से क्या चीज हो गई भाई साहब घर में फिर से बंदर आ गया बंदर ने घर पे तोड़फोड़ मचा दी कुछ उसने कांच का सामान तोड़ दिया और सबसे बुरी बात उस कांच का सामान चाहे तो घबरा गया होगा क्या मार पड़ेगी कांच का सामान टूट गया तो उस कांच के सामान में उसको खुद को चोट लग गई और घर में खून फैला हुआ था रिक्ति और रशि अंदर सो रहे थे तो बाज जब भरा था उनको पता चला तो शायद बंदर को उसी कांच से लग गई और बंदर का खून भी निकल आया फिर डर के मारे भाग गया की बात है कि बार बार घर में बंदर आ रहा क्योंकि अब छोटा बच्चा है घर में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आया चिंता की बात ये नहीं घर में बंदर आया चिंता की बात ये है कि घर में माओ के होते हुए बंदर आया मैं गाड़ी यहाँ रिवर्स करवा रहा देखने पीछे कितनी जगह मचती है ये पत्तों की वजह से मेरे गाड़ी का हॉर्न एक्टिवेट हो गया कि मतलब पता कैसा हॉर्न बता भैया अपने गाड़ी में बंदर आ रहा है क्या बहुत बंदर है ना ये उसने किया है क्या क्या सामान ये सब उसने किया है कांच कहाँ तोड़ा है सॉक्स में अरे खून बात तो यही कि माओ को पता कहीं चला तुम लोगों को तो चलो माओ अरे यार तो आए आए अरे ज्यादा खून आ ओ फ्रिज खुला हुआ था पूरा फिर से फ्रिज मुंह मारा उसने माओ बेटा अभी वहाँ कांच फैला है आप इसीलिए वहाँ मत जाओ रुक जाओ आपको लग जाएगी रुक जाओ ओ भाई कितना ओहो काफी खून ओहो हो
यहाँ नहीं आना, चलो। जब मम्मा आपको कहते हैं ना रशी कि कांच से खेला नहीं करो, टूट जाएगा तो छोटी लग जाएगी। देखो बंदर को लग गई, ये देखो उसका खून नहीं रहा। ये देखो मम्मा जब कहती है, देख रहे हो, देख रहे हो, देखो उसने ये तोड़ा, देखो यहीं पे उसका खून बगा है। हम लोग क्या कहते हैं आपसे, कहाँ से मत खेलो। ये लगी तो उसको ज्यादा ही है, इतना ज्यादा गिरा है। चप्पल बंदर कौन चप्पल पहनता, लग गई उसको। देखो उसको, देखो कांच है, देखो ये कांच ना चुप जाता, उससे पैर में लग गया। देखो देखो ये शार्प होता है बच्चे, इसलिए मम्मा हमेशा आपको कहते हैं कि कांच के साथ मत खेलो। अच्छा फिर भी आपने कुछ नहीं किया। तो भैया अभी हमारा वाईफाई का काम ठीक करा, हमारा वाईफाई में स्पीड बहुत ही खराब आ रही थी, तो कुछ प्रॉब्लम आया राउटर में। उसने कहा था भैया कि ये दूसरी बिल्डिंग में 701 या 702 में गया था, उसके बच्चे कह रहे थे, तो बच्चों को बंद कर दिया बाहर से कमरे में, डेंजरस है भाई। हम लोग ने फिलहाल ये वाला डोर परमानेंटली बंद कर दिया अभी, लेकिन वो बाकी से भी आ सकता था। मैं क्या सब बंद कर रखेंगे, आप घर में जिए कैसे। अगर आपके सामने मंकी आ गया और आपके पास डंडा ना हुआ फिर क्या करोगे। रशु उसको हाथ से डरा देना, चलो मंकी चलो भागो, रशु डर जाएगा वो। अबे यार मैं कह रहा हूँ डंडा नहीं है तब की बात बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी ब्लड गिरा हुआ है, यहाँ पे भी ब्लड है, देखो ये डर। रशी टच करके हम पूरा सैनिटाइज मारेंगे इसके ऊपर। ये देखो मम्मा रशी की योगा क्लास चालू। मेरे पुराने वाले लैपटॉप में बिल्कुल जगह खत्म हो गई, हालांकि अभी मैं पुराने वाले लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ आज एडिटिंग के लिए, क्योंकि नए वाले लैपटॉप में वो सॉफ्टवेयर नहीं है, और क्योंकि अभी कुछ पंगे हैं तो उसमें बिल्कुल स्पेस खत्म हो गई। जब मैंने इसमें कुछ जोर तोड़ लगा के 100 GB ऑफ स्पेस बना दिया, इतनी प्राउड फीलिंग आ रही है, आई एम श्योर आप सबको भी आती होगी। तो अब हमारा चाय टाइम। तुम रो क्यों रहे थे भाई, नीचे से आके कि मेरे को झूला नहीं झूलने दिया। भाई कितना झूलोगे भाई, रात को सब बच्चे घर चले आते हैं, बाहर खेलते रहोगे। चलो पापा के इसमें मुंह मत मारो, अपना शेयर करती हो। नो पापा का नो शेयर अदर्स। मैंने सुना कोई रेडियो के आया और पापा से शर्मा रहा है भाई। इतना क्या शर्माना भाई, हटो चलो अम्मा आगे सर जाओ, आगे सर जाओ अम्मा। अरे वाह, पायल दिखा पायल। अरे वाह क्या सरप्राइज दिखाओ, आपने बनाया था ना, ये मेरे को बहुत पसंद आया था, बेस्ट गिफ्ट था ये। तो गाइस कल रात को एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई थी, मुझे सोते सोते इतना डरावना सपना आया कि मैं नींद से उठ गया, एंड सेम थिंग हैपेंड विद हर, एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग लाइक इन द मॉर्निंग अराउंड 5:30-5 o'clock। दोबारा सोया, मुझे दोबारा से सपना, आई कुड फील माई हार्ट लाइक बूम 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 बूम, रितु रितु मेरे को बहुत गंदा सपना आया, मेरी नींद टूट गई और इसके लिए ऐसे बता गई थी, तो शी वॉज क्राइंग। तो आज का मौका तीन समाप्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज व्लॉग, अपना प्यार ऐसे ही देते रहे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, जो समय बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और मेहनत करने का मन करता है। बाय गाइस।